आज हम बनाएंगे गुपचुप का पानी, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया धनिया, पुदीना, मिर्ची और अदरक। तो सभी चीज़ों को हमने अच्छे से धो लिया है और इसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे इमली को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख लिया था और इसे अच्छे से मसल कर इसका रस निकाल लेंगे। इमली का रस निकालने के बाद इसे एक बर्तन में छानकर इसका रस अलग कर लेंगे। तो 1 से 2 बार धोकर इमली को इसका पूरा रस निकाल के अलग कर लेंगे। अब इसमें हम 2 से 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे इमली का पानी तैयार कर लिया है। अब इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो धनिया, पुदीना, मिर्ची और अदरक का पेस्ट तैयार किया था उसे ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा बचा के रखेंगे, जिसे हम आलू में ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा। तो मैंने यहाँ पे जीरे को भूनकर इसका पाउडर तैयार कर लिया था। एक चम्मच ऐड करेंगे काला नमक। हाफ चम्मच ऐड करेंगे चाट मसाला या फिर आमचूर का पाउडर। 1 पैकेट हम ऐड करेंगे जलजीरा पाउडर। जलजीरे से गुपचुप के पानी में बहुत अच्छा सा स्वाद आएगा और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार इसमें ऐड करेंगे नमक, जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, और इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं किया है। आप चाहे तो इसमें तीखापन देने के लिए लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन पानी में थोड़ा सा चीनी ऐड करने से अच्छा सा स्वाद आएगा, तो मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ी सी बूंदी ऐड करेंगे अच्छा सा लुक देने के लिए। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा गुपचुप का पानी बनकर तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।